हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट वेदास में। आज हम बात करने जा रहे हैं धामपुर शुगर के बारे में। 229 पर भी मार्केट ट्रेड कर रहा है, 0.5% का अपसाइड भी है और इसमें जो है ना प्राइस बैंड है 20 का, तो थोड़ा सा एक कम नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं धामपुर शुगर के बारे में। शुगर इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, इसमें जो है ना 229 पर अभी ट्रेड कर रहा है, 0.5% का अपसाइड देखने को मिल रहा है। और वॉल्यूम की बात करें तो सेलर जो है और बायर जो है दोनों ना एक न्यूट्रल में है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें है नहीं। और एक रिवर्सल ट्रेंड यहाँ से देखने को मिल गया 210 से, मार्केट अभी कितना 230 पे चल रहा है, मतलब मोटा मोटा बात किया जाए ना तो 20 पॉइंट का गैप एक अपसाइड देखने को मिला है। तो इसलिए ना आज थोड़ा सा एक कंफ्यूजन में, जैसे कि दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं मगर पायर जो है पुल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा रेजिस्टेंस एरिया जो है वो 240 का है। जी हाँ दोस्तों, ये 200 एरिया जो है ना 240 का एक रेजिस्टेंस एरिया है और यहाँ पर मार्केट ना एक बार जा सकती है, देख लीजिए। और सपोर्ट का एरिया भी मैंने आपको पहले बताया था कि सपोर्ट आप लॉन्ग टाइम फ्रेम पे देखते हो तो ये एरिया है जो मार्च का महीना था, बराबर ना, मार्च का है, जून का महीना है, तो यहाँ पे कितना वक्त तक मार्केट रहा, तो सेम चीज़ ना हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ से रिवर्सल भी मिला है, पहला टारगेट जो है इसका रहेगा। और ये देख लीजिए 200 241 का, 240 का हमारा ये सब रेजिस्टेंस एरिया है, बराबर ना, जो यहाँ पे एक बार अपना जब ब्रेकआउट लिया था यहाँ से तो एक 240 तक का गया था, तो सेम चीज़ हमको ना यहाँ पे देखने को मिलेगा। और देख लीजिए अभी यहाँ पे जाने वाला है, टारगेट हमको मिल सकता है, मगर क्या है ये कैंडल जो है ना डायरेक्ट बना है, तीन कैंडल बना है, एक 10 पॉइंट का, एक 5 पॉइंट का, एक फिर बाद में फिर 10 पॉइंट का, तो हमारे लिए ना ये अभी एक जो कैंडल है ना इस कैंडल का ऐसे डायरेक्ट ना ग्रीन कैंडल बना बना कर ना नहीं जा सकता, ऐसे हल्का 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 हायर हाई बनाते जाता है। तो सेम चीज़ ना अभी इतना हाई बना है ना तो थोड़ा सा आपको डाउन साइड दिखना चाहिए और डाउन साइड के बाद में फिर एक अच्छा सा अपसाइड मिलेगा, तो 240 तक का टारगेट मिलेगा। और अब सपोर्ट एरिया के बारे में बात करें तो सपोर्ट एरिया हमको आपको बढ़ा लेना चाहिए, सपोर्ट एरिया इस कैंडल का लो रहेगा, मतलब 220 का सपोर्ट एरिया 229 पर ट्रेड कर रहा है, अगला टारगेट 241 तक का देखने को मिल सकता है। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।